नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यस प्रेप एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम देखने जा रहे हैं चर्चित व्यक्तित्व। चर्चित व्यक्तित्व से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें दो तरीके के प्रश्न होते हैं। एक तो जो निधन होते हैं, जो डेथ होती हैं हाल के दिनों में, साल 6 महीने के अंदर, और दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी कारण से, अन्य कारण से चर्चा में आया हो। तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। एक नाम है इसमें राजेंद्र कुमार पचौरी का। इनका 13 फरवरी 2020 को निधन हो गया। राजेंद्र कुमार पचौरी के बारे में आपको बताऊं मैं, 2007 में इनको शांति का नोबल मिला था। शांति का नोबल, पीस नोबल प्राइज इनको मिला था। और ये इनको मिला था अमरीकी उपराष्ट्रपति अल गोर के साथ में। 2008 में इनको पद्म विभूषण भी मिला था। पद्म भूषण भी इनको फिर 2001 में पहले पद्म भूषण दिया गया था, फिर 2008 में पद्म विभूषण दिया गया था। और इनका पूछा जाएगा ये किस संस्था से संबंधित थे, तो टेरी से ये संबंधित थे। टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। इसके ये अध्यक्ष थे। 2002 में ये अध्यक्ष बने। उसके बाद में 2015 तक ये इसके अध्यक्ष बने रहे। 2015 में एक केस हुआ था यौन उत्पीड़न का, उसमें इन पे आरोप लगे थे। और उन्हीं आरोपों के दौरान फिर इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है। अगला है कैथरीन जॉनसन। ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से ये प्रसिद्ध थी। ह्यूमन कंप्यूटर यानी कि इनकी जो गणना करने की क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा थी। नासा की ये गणितज्ञ थी। 101 वर्ष की उम्र में इनका भी निधन हुआ है, 24 फरवरी 2020 को। और ये जो इनकी गणना के बारे में मैं आपको बताऊं कि पहली बार अमरीकियों को अंतरिक्ष में भेजने और उन्हें वापस धरती पर सुरक्षित लाने में इनकी इस गणना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अमेरिका में ही ये जन्मी थी और फिर नासा के लिए इन्होंने वहाँ पर काम किया। और इनका काम इतना अच्छा था कि ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से इनको जाना जाता था। याद रखिएगा, होस्नी मुबारक नाम से आप परिचित होंगे। होस्नी मुबारक 3 दशक तक शासन करते रहे मिस्र पर। और कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन तो उसे जाना ही होता है। 25 फरवरी 2020 को इनका निधन हो गया। 1981 में ये राष्ट्रपति बने थे और 1981 के बाद में फिर ये लगातार 3 दशक तक राष्ट्रपति बने रहे, वहाँ के सत्ता में रहे ये हमेशा। संबंध किस देश से है ये इम्पोर्टेंट है, तो इनका संबंध है मिस्र से। हरीश साल्वे, जनवरी 2020 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कानूनी सलाहकार नियुक्त हुए हैं। भारत के ये वरिष्ठ वकील हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हैं। और जो वहाँ की क्वीन काउंसिल है, कानूनी सलाहकार बोलते हैं उसको, क्वीन काउंसिल को, तो वो उस पद पे इनकी नियुक्ति हुई है। पाकिस्तान की जेल में जो कुलभूषण जाधव का मामला चल रहा था, तो भारत का पक्ष हरीश साल्वे ने ही रखा था। उस समय ये चर्चा में आए थे। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन किस क्षेत्र से रिलेटेड हैं, तो ये कृषि वैज्ञानिक हैं। और कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। कृषि के क्षेत्र में योगदान देने के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है। एम वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने राजभवन में एक कार्यक्रम पोंगल के दौरान आयोजित हुआ था, तो उसी में इनको 18 जनवरी 2020 को सम्मानित किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चर्चित व्यक्तित्व का, लेफ्टिनेंट शिवांगी, सब लेफ्टिनेंट शिवांगी का। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट के रूप में शामिल हुई हैं। और ऐसा होकर ऐसा जो ऐसे ये एक बहुत बड़ा इतिहास रच गया है। बिहार से ये संबंधित है, बिहार की रहने वाली है, मुजफ्फरपुर की, मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है, जो लीची के लिए बहुत फेमस है, वहीं की ये रहने वाली हैं। पायलट के रूप में शामिल होकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। और शॉर्ट सर्विस कमीशन पायलट एंट्री स्कीम के अंतर्गत इनको जून 2018 में शामिल किया गया भारतीय नौसेना में। डॉक्टर श्री राम लागू, हिंदी और मराठी फिल्मों तथा रंगमंच के ये कलाकार, और इनका अभी 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। तो इनका संबंध आपसे पूछा जा सकता है, तो हिंदी और मराठी दोनों फिल्मों से है। अगर दोनों विकल्प होंगे तो आप दोनों को टिक करेंगे। और रंगमंच से भी ये संबंधित रहे हैं। और
प्रवीण का निधन हुआ है। इसलिए देखिए देखिए, जब ये निधन होते हैं तो इनके जो कार्य होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा, वैसे इंसान की आप कितनी बुराई करें, जब वो जाता है, उसकी डेथ होती है, तो आप कहते हैं बड़ा अच्छा इंसान था, पता नहीं झूठ कहते हैं या सही, लेकिन ऐसा होता है। तो क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते हैं। गिरिराज किशोर जी भी नहीं रहे। 9 फरवरी 2020 को इनका निधन हो गया। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार थे, उपन्यासकार थे, और महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर आधारित इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, एक पुस्तक थी, पहला गिरमिटिया। 2019 में हनुमान जी पर आधारित अपनी पुस्तक आंजनेय जयते के लिए भी ये चर्चा में आए थे। और मुजफ्फरनगर, ये ध्यान रखिएगा, यूपी में है, वहां से इनका संबंध था, अब ये नहीं रहे, ठीक है। और बाकी इन्होंने आईआईटी कानपुर में रजिस्ट्रार के पद पे काम किया और कानपुर विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव रहे। ये सब चीजें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन ये जो इनकी रचना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनील शेट्टी, ये क्यों चर्चा में आए हैं इस बार? कोई पिक्चर के कारण चर्चा में ये नहीं आए हैं। 10 दिसंबर 2019 को भारत की राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी जो है नाडा, उसका ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। ये उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और सुनील शेट्टी देश में खेल स्पर्धाओं को डोपिंग मुक्त बनाने में कोशिश करेंगे कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो कोई भी ऐसी चीज ना लें जो डोपिंग के तहत आती हो और बैन हो। कई बार खिलाड़ियों की पूरी जिंदगी चौपट हो जाती है, पूरा कैरियर चौपट हो जाता है। काम्या कार्तिकेयन, माउंट अकांगुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर बन गई है। और माउंट एकांगागुआ जो है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। काम्मा कार्तिकेयन का संबंध जो है ये भारत से है। अभी मात्र ये 12-13 साल की है, 12 साल की, और इतना बड़ा कारनामा इन्होंने 1 फरवरी 2020 को कर दिखाया है। इसके पूर्व भी ये अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटियों पर भी चढ़ चुकी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इनका जो काम है, ये इसी क्षेत्र में ये काम करती हैं, लेकिन ये बहुत ऐतिहासिक काम है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। और इतनी कम उम्र में जब कोई इतना बड़ा काम करता है तो वो ज्यादा साहसिक कार्य माना जाता है, ठीक है ना? तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे अक्सर, क्योंकि इनसे आपको प्रेरणा भी मिलती है और प्रश्न के तौर पर तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, इसलिए ध्यान रखिएगा। टी एन शेषन का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो आपने समझ लीजिए जीके का कुछ भी नहीं पढ़ा है। अभी दो 10 नवंबर 2019 को इनका निधन हो गया। 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त ये रहे हैं भारत के, तिरुनेल्लई नारायण अय्यर शेषन इनका पूरा नाम था। रेमन मैक्सेसे अवार्ड विजेता भी रह चुके हैं, इनको मिला था। और भारतीय चुनाव प्रणाली में मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत करने का जो श्रेय है वो टीएन सेशन को ही जाता है। 1996 में इनको ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, ये ध्यान रखिएगा। 1997 में राष्ट्रपति का चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1999 में कांग्रेस के टिकट पर लाल कृष्ण आडवाणी के विरुद्ध चुनाव लड़ गए थे, तो हर जगह हारे ही, लेकिन ऐसे लोग सनकी टाइप के होते हैं, तो वो जब कोई काम करते हैं तो कभी कभी वो सोचते नहीं है कि आगे क्या होगा, हार ही सही, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ गए। और सनक ही ये होती है जो इतना बड़ा काम करवाती है। इन्होंने जो इलेक्शन के क्षेत्र में काम किया है वो बिल्कुल अलग है। मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत जो इन्होंने की, इसके लिए ये जाने जाते हैं। पंडित जसराज, शास्त्रीय गायक, इनके नाम पर मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे ग्रह के जो छोटे छोटे ग्रह हैं उनका नाम रखा गया है, और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कलाकार हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो ये फोर्थ कलाकार हैं। इससे पहले मोजार्ट, बियोवेन और टेनर लुसियानो को ये सम्मान दिया जा चुका है, उनके नाम पर ग्रहों का नाम रखा जा चुका है। तो पंडित जसराज के बारे में ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेनर लुसियानो पावारोती उनका पूरा नाम है, मोजार्ट और बीथोवेन, ये तीन लोग हैं जिनके नाम पर विश्व स्तर पर ये हो चुका था, लेकिन भारत के अगर आपसे पूछे जाए तो भारत की ये प्रथम ही है। प्रांजल पाटिल कौन है? 14 अक्टूबर 2019 को भारत की एक नेत्रहीन महिला आईएएस बनी, उनका नाम है प्रांजल पाटिल, ठीक है।
और इनकी रैंक 773, 773वीं रैंक इन्होंने प्राप्त की है यूपीएससी की परीक्षा में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने इसको पास किया है। अब आप सोचिए, अगर प्रांजल बन सकती हैं तो आप भी बन सकते हैं, ठीक है। अगर इनके साथ कुछ ऐसी समस्या थी कि ये देख तक नहीं सकती, और आप तो ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक है, अगर आप तो हर हाल में आपको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए रॉबर्ट मुगाबे के बारे में देखते हैं, ये कौन है। जिम्बाब्वे की पूर्व राष्ट्रपति, 95 वर्ष की आयु में निधन। निधन जो इनका हुआ है ये सिंगापुर में हुआ है, 6 सितंबर 2019 को, इलाज कराने गए रहे होंगे वहीं पे निधन हुआ। 3 दशक तक राष्ट्रपति रहे ये भी, और नवंबर 2017 में जब तख्ता पलट हुआ तब इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। तो जिम्बाब्वे से रिलेटेड हैं, 3 दशक तक ये राष्ट्रपति रहे। 1980 से 87 के दौरान प्रधानमंत्री भी वो बने थे, पहले प्रधानमंत्री थे वो जिम्बाब्वे के, और फिर उसके बाद में 87 में राष्ट्रपति बन गए। फिर लगातार ये 2017 तक राष्ट्रपति बने रहे, और जब 2017 में तख्ता पलट किया गया तब जाकर ये पद छोड़े, और फिर इतना बड़ा पद जिससे छीनेगा, बीमार ही तो रहेगा, बीमार रहने लगे। 95 ईयर की अवस्था में इनका अभी स्वर्गवास हो गया। इसके पहले हमने डिस्कस किया है नियुक्तियों से संबंधित वीडियो को, इससे पहले हमने देखा है और भी यूपी के बजट को, इससे पहले और भी कई वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं, और आगे के जो वीडियोस अभी आएंगे उनमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट हैं उनको कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए, एक तो देखते रहिए, और ये पुरस्कारों से संबंधित वीडियो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप RO ARO का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसको सही से तैयार करें, टेस्ट सीरीज़ अगर आप देना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट UPSCTarget.com को विजिट कर सकते हैं। और आप दूसरा तरीका इसका है, IAS Prep Academy, आप लिखिए प्ले स्टोर में और ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अन्य बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।